हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स अड्डा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मिमी सिपर कप के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वालिटीज़ की बात करूँगी कि मिमी सिपर कप की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, और उसके बाद मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी कि मुझे अपने बेबी के लिए इस कप का यूज़ करके कैसा लगा, और साथ ही साथ मैं आपको करके दिखाऊँगी डेमो कि ये एंटी लीक है या नहीं है, आपके सामने डेमो करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मिला था ये रैपर इस मिमी सिपर कप के साथ, और ये 6 मंथ बेबी प्लस बेबीज़ के लिए यूज़ होता है, और ये है मिमी 2-in-1 सिपर एंड स्पाउट सिपी कप। तो इसके अंदर मुझे मिला था स्पाउट और साथ ही साथ मिला था एक सिपर। ये है ट्विन हैंडल और एंटी लीक और BPA फ्री, मीन्स हम इसको स्टरलाइज भी कर सकते हैं, और इसका MRP है 299 रुपीज़। इसको मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, वहाँ मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये सिपी कप जो मेरे हाथ में है, ये है 210 ml का, ये 150 ml में भी आता है, आप चाहे तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये स्पाउट है कैसा। तो ये देखिए जो मेरे हाथ में ये है स्पाउट, इसको हम स्पाउट बोलते हैं। ये 6 to 12 month बेबी के लिए यूज़ होता है, और ये देखिए खोलकर मैं आप, ये इसके अंदर ट्विन हैंडल्स मिलते हैं जिससे जो बेबी के ग्रिप के लिए अच्छा होता है, बेबी अच्छे से इसको पकड़ सकता है, नाइस ग्रिप है इसकी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टीट कैसा है स्पाउट का। इसके अंदर 3 एंटीकॉलिक वॉल्व्स आपको मिलेंगी, जिससे क्या होता है एंटीकॉलिक वॉल्व से कि जो एयर फ्लो होता है जब बेबी सिप करता है तो बोतल के अंदर एयर फ्लो अच्छे से हो पाता है। और देखिए इस टीट के अंदर एक होल है, जब बेबी इसको प्रेस करता है अपने लिप्स से, सपोज मेरे लिप्स हैं, हैंड्स मेरे, और सिप जब इसको प्रेस करता है तो होल ओपन हो जाता है, और जब छोड़ देता है तो होल बंद हो जाता है, जिससे लीकेज की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं रहती है। ये देखिए खुल रहा है होल और अब ये बंद हो गया इस तरीके से। अब दिखाती हूँ मैं आपको इस स्ट्रॉ के अंदर भी इसी तरह के 4 कट्स बने हुए हैं। आप ये एंटीकॉलिक वॉल्व इसके अंदर दी गई है जिससे एयर फ्लो बॉटल के अंदर अच्छे से होता है, और स्ट्रॉ नीचे दिया हुआ है, ऊपर ये बेबी के सिप करने के लिए दिया हुआ है। 4 होल्स इसके अंदर हैं, जब बेबी इसको प्रेस करेगा तो होल्स ओपन हो जाएंगे, और जब बेबी छोड़ देगा तो होल्स बंद हो जाएंगे, जिससे लीकेज नहीं होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं 4 होल्स हैं इसके अंदर, 4 कट्स हैं सॉरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम स्पाउट को बना सकते हैं। इस तरीके से हम इस टीट को इसमें लगाएंगे, और बिना हैंडल के भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैप बड़ा अच्छा है इसका, मींस अच्छी ग्रिप है कैप की, ऐसा नहीं है कि निकल जा रहा है बार बार, तो अच्छा स्पाउट है 6 to 12 month बेबी के लिए। अब मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी। मैं इसके अंदर वाटर डाल रही हूँ, ये देखिए मैंने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया है, और अब मैं इसको बंद करके शेक कर रही हूँ। देखिए एक भी बूंद वाटर जो है इसमें से नहीं निकल रहा है, और जब बेबी इसको प्रेस करेगा इस तरीके से, लिप्स जब उसके प्रेस करेंगे इसको, तो इसमें से वाटर निकलना स्टार्ट होगा, होल ओपन हो जाएगा और वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें उतना ही वाटर निकलता है जितना बेबी को एक बार में लेना चाहिए। मींस क्वांटिटी डिसाइड है कि बेबी को इतना वाटर एक बार में लेना चाहिए, ज़्यादा वाटर नहीं निकलता है ना ही कम निकलता है। तो अच्छा स्पाउट है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे बेबी को, कलर्स अट्रैक्टिव हैं, और भी कलर्स में इसके अवेलेबल हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रॉ। मेरा बेबी अभी 9 month का है, तो मैंने अभी तक स्पाउट ही यूज़ किया है, और अब मैं स्ट्रॉ यूज़ करके दिखा रही हूँ जो एक 12 month प्लस बेबी के लिए यूज़ होता है। देखिए कोई लीकेज प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए जब बेबी इसको सिप करेगा तो ही इसमें से वाटर निकलेगा। एक्चुअल में बेबी सीधा करके स्ट्रॉ से वाटर को लेता है, तो सीधा करके जब बेबी सक करेगा तो उसके मुंह में वाटर आएगा। तो ये था मेरा रिव्यू, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।